साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के बीच ये बताने के लिए कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि 28 नवंबर, तो मैं आपको यह बताते चलूं कि बृहस्पतिवार को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बिहार के मुख्य सचिव से लेकर तमाम वरीय पदाधिकारियों को तलब किया गया था न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, कि न्यायालय का जो भी मामला है उसको निष्पादित करने में सरकार विलंब क्यों कर रही है। आप यूनिवर्सल न्यूज़ का वीडियो भी देखते हैं, उसमें किसी व्यक्ति द्वारा कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर या 6 दिसंबर, जो भी कहा जा रहा हो, मैं अभी भी कायम हूँ कि 28 नवंबर तक कुछ ना कुछ होगा। अगर 1-2 दिन डीले भी हुआ तो यह जो है सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनके चलते हो सकता है, नहीं तो 28 नवंबर तक कुछ न कुछ होना तय है। और इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने सारे अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। आप लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से जाना होगा। आप हमें ये बताएं कि आज से 1 साल पहले बिहार में सांख्यिकी कर्मियों में इतनी हलचल नहीं थी, आज पूरे बिहार में हलचल है। इसका मुख्य कारण क्या है? जिनके लोग सचिवालय में हैं, निदेशालय में हैं या अन्य विभागों में सचिवालय में कार्यरत हैं, उन्होंने यह पता लगा लिया है और धीरे धीरे यह बात फैली, तब जाकर यह हलचल शुरू हुआ। इसीलिए आप सभी धीरज रहें, धैर्यवान बने रहें, आपका काम होना बिल्कुल तय है और ये होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि होना तय है, बिल्कुल होना तय है। जो CWJC में शामिल थे कोर्ट में, पटना उच्च न्यायालय में, आप सभी के साथ, इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी मेरे साथ बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।